Now, dear students, now we are moving with our next part. When I went to comfort the children, okay, when I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? Kya daddy, hum log sach mein mar jayenge? Okay, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. Daddy, hum marne se to ghabrate nahi, agar hum sab saath ho. This is the remark of Jonathan, even mummies, you and I. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. Dekho, see the determination of narrator. He decided to fight against the sea. Phir bhi wo fight karne ki soche. To protect the weakened starboard side, humne koshish ki ke starboard side, matlab right side of the ship, jo kamzor ho gaya, usse thoda sa प्रोटेक्ट करेंगे. आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने जंप किया विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स. जो पार्ट डैमेज नहीं है उस पार्ट की तरफ मैं उछल पड़ा. यूजिंग इन इम्प्रोवाइज सी एंकर, हमारे पास जो एंकर था, ओके, जो सपोर्टिंग मटेरियल था ऑफ हैवी नायलन रोप, जिसमें नायलन की एक रस्सी है, एंड टू 22 फायर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और जिसमें कुछ पैराफिन लिक्विड मटेरियल. ओके, दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन द थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. प्लैंक्स मतलब द ब्रोकन पार्ट ऑफ द टिम्बर, जो लकड़ियों के टुकड़े हैं उसके आसपास हम और मेरी हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हमने सोचा हमारा अंत आने वाला है. बट वेव अगर रोड आउट ऑफ द स्टॉम एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग, ईजिंग मतलब बिकमिंग लिटल कम्फर्टेबल, अब तूफान थोड़ा सा शांत हुआ था January 6 के आसपास. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट मतलब टू मेजर द एंगल ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के एंगल के यंत्र से मैंने देखा. बैक इन द चार्ट रूम, अपने चार्ट रूम में वापस आके आई वॉक्ड ऑन विंड स्पीड्स, मैं हवा का तेज तरारपन कितना है वो चेक कर रहा था. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन फॉर्ड ऑफ कैलकुलेट आवर पोजिशन, और पानी के बहाव से, ड्रिफ्ट मतलब द फ्लो ऑफ वाटर इन द करेंट इन एंड एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजिशन, हम कितने दूर में हैं समुंदर के आइलैंड से, वो मैं चेक करने लगा था. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, हमने देखा कि 65 वाइड किलो 65 किलोमीटर की चौड़ाई पे एक आइलैंड है, वो हमसे 150,000 किलोमीटर की दूरी पे है. वाइल आई वॉज थिंकिंग सी यू मूविंग पेनफुली, जब मैं ये सोच रहा था, सी यू मतलब सुजान मेरे पास आई, जॉइन मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज वेरी सोलन, उसके आँखों के बाएं तरफ का हिस्सा फूल चुका था, एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी काले काले बड़ी बड़ी आँखें बिल्कुल स्लिट्स मतलब क्लोजिंग बंद हो रहा था. शी गेव मी अ कार्ड शी मेड ऑन द फ्रंट ऑफ द कार्ड, ऑन द फ्रंट ऑफ द कार्ड इट्स ड्रॉन द कैरिकेचर, उसमें एक कार्टून बनाया हुआ है ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लव लफ्ड अ लॉट एज वेल, उसमें उसने लिखा है यहाँ पे कुछ फनी पीपल है जो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे. देखो इस सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में उसने कितना लाइट मूड वाला कैरिकेचर बनाया, कार्टून बनाया. इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ, वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, इसका ही मैसेज लिखा है. सो This card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. हमें उम्मीद है कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आएंगे. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare. मेरे पास एक extra compass था, उसी से मैं direction check कर रहा था, which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimated of the influence of the westerly current which flow through the part of the Indian Ocean. मैं Indian Ocean के तरफ से आने वाले पानी का बहाव का current check कर रहा था. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. 2 बजे के आसपास मैं Larry के पास गया, जो मेरा crewman है उसके पास गया, और उसे कहा कि स्टीयरिंग जो है वो घुमा 185 डिग्री में. इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने कहा अगर हम लोगों का लक अच्छा रहा, कन्विक्शन मतलब विद द फेथ, FAITH, मैंने भरोसे के साथ कहा, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. तो हम 5 बजे के आसपास नियर बाई आइलैंड में पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट, उसके बाद ब्रोकन हार्ट के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली आश्चर्यजनक तरीके से डोज्ड ऑफ मतलब फीलिंग स्लीपी, मैं सो गया. व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि हम लोग आइलैंड मिस कर गए हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स. एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड, टसल्ड हेड मतलब विथ स्कैटरिंग हेयर, बिखरे हुए बालों के साथ मेरा लड़का मेरे रूम में आया.
appeared my bunk. Can I have a hug? Daddy, मैं आपको hug कर सकता हूँ. Jonathan asked. She was right behind him. She ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी. Why I am getting a huge now? क्यों मुझे hug करना चाहते हो? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो इस दुनिया के. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. आज नहीं जॉन, आज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया. व्हाई यू मस्ट बी, सेड सीयू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. आश्चर्यचकित होकर सीयू ने कहा, डैडी यू आर डिजर्विंग, आप लायक हो कि आपका हम हग करें. आई फाइंड वी फाइंड द आइलैंड. देखिए डैडी सामने आइलैंड है. व्हाट, आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस्ट, एक साथ उन दोनों ने कहा, एज बिग एज अ बैटल शिप. डैडी ओनली फॉर लाइक अ बैटल शिप, एक छोटे से जहाज की तरह है, बैटल शिप की तरह. आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ दैट स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इल एम्स्टर्डम. स्टार्क आउटलाइन मतलब बाहर का सीमा, बाहरी सीमा, बॉर्डर. मैंने देखा, यस, हमने तो इल एम्स्टर्डम के बाहरी सीमा पे कदम रख लिया. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ब्लीक मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ शाइनिंग रॉक, पत्थर की तरह, एक छोटा सा ज्वालामुखी की तरह, ब्लीक की तरह वो हमारे सामने है. इतना छोटा है वो आइलैंड. विथ लिटिल वेजिटेशन, इसमें पेड़ पौधे बहुत कम हैं. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वी एंकर्ड ऑफ शोर, हम एंकर्ड मतलब लैंडेड, हमने नीचे उतरे. ऑफ द मिड नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स, वहाँ में रहते हैं बस 28 लोग. इनहैबिटेंट्स मतलब रेसिडेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, वो हमारे सामने आके हमें चीयर किए. विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैडी एंड हर्वी. मैं लैडी और हर्वी के बारे में सोच रहा था. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे और चीयरफुल थे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. डायरस मतलब डेंजरस, स्ट्रेस मतलब संकटजनक स्थिति. इस संकटजनक स्थिति में भी लैडी और हार्ब ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. एंड ऑफ मैरी, मैरी मेरी वाइफ, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, वो भी व्हील पकड़ के बहुत देर तक बैठी रही. ओके, मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और मेरी वो 7 साल की लड़की हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो मुझे ट्रबल नहीं देना चाहती थी अबाउट हेड इंजरी, जिसका एक हेड इंजरी हुआ था. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट. उसके बाद उसे 6 operations से गुजरना पड़ा क्योंकि उसके सर के बीच में रिकरिंग ब्लड क्लॉट, खून जम गया था बिटवीन स्किन एंड स्कल. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और मेरा वो 6 साल का लड़का, हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, जो मरने से घबराते नहीं. तो हम सब लोगों ने इस अनफेवरेबल सिचुएशन को कंट्रोल कर ही लिया. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर.